टेन शॉर्ट वीडियोस, टेन टॉपिक्स और दस से ज़्यादा सी बी एस ई अकाउंटेंसी टर्म वन में आने वाले एग्जाम पेपर के क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे हेलो दोस्तों मैं हूं अनिकांत ये है ट्रिपल ए और आज का हमारा एग्जाम का सुपर प्रोबेबल टॉपिक है वो है नो अल्टरेशन इन वैल्यूज़ व्हेन दर इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस टॉपिक का दोस्तों सिचुएशन समझिएगा पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और पार्टनर्स चाहते हैं कि इसकी वजह से जो बैलेंस शीट के फिगर्स हैं जिनमें ऑल्टरेशन रिक्वायर्ड है जिनको चेंज करना ज़रूरी है बट उनको चेंज ना किया जाए उनको अपनी पुरानी वैल्यू पे ही लिखा जाए और सिर्फ एक एडजस्टिंग एंट्री पास करके इस एडजस्टमेंट को कर दिया जाए इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा इस टॉपिक के प्रमाइज़ को इस्टेब्लिश करूँगा एक छोटे से एग्जाम्पल से देखिए दोस्तों एक सिचुएशन ले, ले लेते हैं ए और बी पार्टनर्स हैं इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था थ्री टू टू पहले ये प्रॉफिट थ्री टू टू के रेशियो में शेयर करते थे नाउ दे आर डिसाइडिंग कि हम हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देते हैं वन इज टू वन कर देते हैं आपने बैलेंस शीट को जब एक्सप्लोर किया तो पता चला कि बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का वॉट इज दिस जनरल रिजर्व पास्ट में कुछ प्रॉफिट इन्होंने कमाए होंगे और उन प्रॉफिट्स को पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उन प्रॉफिट्स को इकट्ठा किया एवरी ईयर एक जर्नल एंट्री पास करते गए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिया टू जनरल रिजर्व और अब ये जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में इकट्ठा होकर पड़ा है अगर ये जनरल रिजर्व नहीं क्रिएट होता और ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो पार्टनर्स के बीच में ए और बी के बीच में उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्री टू टू में डिस्ट्रीब्यूट होता यानी इस रिजर्व का अगर मैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहूँ तो वो होना चाहिए ए को मिलना चाहिए थर्टी थाउजेंड और बी को मिलना चाहिए ट्वेंटी थाउजेंड यस दिस शुड बी दी करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और अगर ये पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं कि इन्हें अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है तो इन लोगों को मोस्ट कन्वीनियंट बात तो ये रहेगी कि ये पचास हजार का जो रिजर्व क्रिएटेड है इस रिजर्व को थर्टी ए अपने घर ले जाएं और ट्वेंटी बी अपने घर ले जाएं और इस रिजर्व को बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दें यानी एक जर्नल एंट्री पास कर दें जनरल रिजर्व अकाउंट डी आर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिस इज द मोस्ट आइडियल वे बट द पार्टनर्स डो नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस जनरल रिजर्व वो रखना चाहते हैं ये जनरल रिजर्व किसी परपज से क्रिएट किया होगा और वो पर्पज अभी तक अचीव नहीं हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना ये बात सही है बट इस रिजर्व को ये अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बैलेंस शीट से नहीं हटाना चाहते हैं अगर इस पचास हजार के रिजर्व को इन्होंने बैलेंस शीट से नहीं हटाया रहने दिया तो इसका करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो थर्टी ट्वेंटी होना चाहिए था अब फ्यूचर में कभी ये ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इनकरेक्टली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्योंकि तब तो डीड भी कहेगी कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वन टू वन है तो ए को मिलेगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का रिजर्व और आई शुड से सिर्फ ट्वेंटी फाइव था और बी को मिल जाएगा ट्वेंटी में हो जाएगा जबकि प्रॉफिट रेशियो तो वन इस टू वन है बट इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ओल्ड रेशियो में जिस रेशियो में यह क्रिएट हुआ है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बट उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा किस रेशियो में हो रहा है किस रेशो में हो रहा है? है फ्यूचर में अगर ऐसा करते हैं हम अगर इस रिजर्व को ऑल्टर नहीं करते हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं और नई बैलेंस शीट में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद इस रिजर्व को लिखा रखते हैं तो ए को फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन में पांच हजार रुपए का नुकसान होगा ए को फाइव थाउजेंड रुपीज कम मिलेंगे और वहीं बी को पाँच हजार ज्यादा मिल जाएंगे इस रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि अनफेयर है तो अगर पार्टनर्स ऐसा चाहते हैं कि ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो सिंपल सा हिसाब है बी को फ्यूचर में पांच हजार रुपए ज्यादा मिलेंगे तो क्यों ना आज बी से पांच हजार रुपए ए को दिलवा दिए जाएं, तो सिंपल सी एक जर्नल एंट्री पास हो जाएगी बी आप आज फाइव थाउजेंड रुपीज ए को दे दीजिए एंड द एंट्री दैट वुड बी पास वुड बी बीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू इज कैपिटल अकाउंट एंड इफ द कैपिटल आर फिक्सड तो करंट अकाउंट से एंट्री डल जाएगी फाइव थाउजेंड रुपीज से दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट इसके पीछे वेन द फिगर्स ऑफ द बैलेंस शीट आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड नाउ इफ देर आर टू मेनी आइटम्स ठीक है दिस द वे आई हैव सॉल्व दिस कैन बी योर अप्रोच इन एग्जामिनेशन एज वेल अल्टीमेटली आपको एंट्री सेलेक्ट करनी है अप्रोच कोई नहीं मांग रहा तो आप ये भी कर सकते हैं बट इफ देर आर टू मैनी आइटम्स तो आप सब आइटम्स का टोटल ले लीजिएगा और फिर पता कर लीजिएगा अब इन आइटम्स में जिनको ऑल्टर नहीं करना है हो सकता है उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज भी हो उनके रिवेल्यूशन का इम्पैक्ट भी नहीं लेना हो सकता है उसमें अक्यूमुलेटेड लॉसेज भी हो उनका इम्पैक्ट भी नहीं लेना तो आप इन सभी का टोटल कर दीजिएगा और जो टोटल निकल के आएगी उसको हम कहेंगे नेट इफेक्ट अब नेट इफेक्ट पॉजिटिव भी आ सकता है नेट इफेक्ट नेगेटिव भी आ सकता है राइट right, फ्रेंड्स अगर नेट इफ़ेक्ट पॉजिटिव आता है कहने का मेरा मतलब है कि एक लिस्ट बना दीजिएगा गुडविल वैल्यूड गुडविल ये तो हर बार ही आएगी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गुडविल होती है फिर अक्यूमुलेटेड रिजर्व जो हैं ये सब पॉजिटिव फिगर लेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट लेंगे नेट इफ़ेक्ट की कैलकुलेशन में रीवैल्यूएशन का जो गेन है या फिर मैं ऐसा कहूँ कि जो जो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है या फिर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो ऐड हो जाएंगे उसी तरह पे रीवैल्यूएशन का अगर कोई लॉस है तो वो सप्रैक्ट हो जाएगा इससे मेरा मतलब है कि किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या फिर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है राइट right? तो ये सब सप्रैक्ट हो जाएंगे ठीक है अगर कोई अक्यूमलेटेड लॉस है तो वो भी सप्रैक्ट हो जाएगा इन सब को टैली करने के बाद जो अचीव होगा उसको हम बोलते हैं नेट इफेक्ट अब अगर ये नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो आप एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर और अगर ये नेट इफेक्ट नेगेटिव है तो आप एंट्री रिवर्स पास कर देंगे सेक्रीफाइजिंग टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट अब सिंपल सा मुद्दा इधर ये रहता है कि सर कैसे पता करें कि कौन सा पार्टनर गेनिंग है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइजिंग उसके लिए आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करिएगा जो कि है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इफ योर आंसर कम्स इन पॉजिटिव तो वो पार्टनर आप गेनिंग डेजिग्नेट कर दो एंड इफ योर आंसर कम्स इन नेगेटिव तो वो पार्टनर आप सेक्रीफाइजिंग डेजिग्नेट कर दो इसी एग्जाम्पल को जो अभी मैंने लिया उसको अब इस तरीके से सॉल्व करते हैं देखिए ए और बी पार्टनर है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोन टू वन ओल्ड है थ्री टू टू तो मैं गेन या सेक्रीफाइस कैलकुलेट करता हूँ ए का न्यू रेशियो रेशियोन बाय टू माइनस ओल्ड रेशियो थ्री बायसीएम लिया यहाँ पे फाइव और टू के बीच में तो एलसीएम आया टेन का राइट right फ्रेंड्स अब इस टेन के एलसीएम को टू फाइव फाइव वन जा फाइव माइनस फाइव टू जा टेन थ्री टू जिक्स वन बाय टेन आता है ये नेगेटिव आते हैं ये सेक्रीफाइजिंग हो जाएंगे एंड ऑफ कोर्स देन बी वन बाय टेन से गेनिंग हो जाएंगे है ना होना ही पड़ेगा अगर ए ने सेक्रीफाइस किया तो वो गेन आखिर किया किसने होगा बी ने ही गेन किया होगा तो एंट्री डलेगी क्योंकि जनरल रिजर्व सिर्फ जनरल जन्र, जनरल रिजर्व की बात हो रही थी यहां पे तो मैं जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस बनाऊंगा इस तरीके से लिस्ट आउट करूंगा तो यहां पे जनरल रिजर्व लिख दूंगा अक्यूमिलटेड रिजर्व की जगह और वो पॉजिटिव है तो नेट इफेक्ट भी पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव आएगा तो जर्नल एंट्री डलेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग यहां पर एंट्री डल जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग विच इज बी टू ए सही है ना और किस अमाउंट से डलेगी जो नेट इफेक्ट है हमारा यहां पर सिर्फ पचास हजार रुपए का तो पचास हजार इन टू वन बाय टेन दैट इज फाइव थाउजेंड से और यही एंट्री मैंने ऊपर पास भी करी है हमारे एग्जाम्पल में उस अप्रोच से भी तो दोनों अप्रोचेस अलाउड है मार्क का क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस आप कैसे भी ऑप्शन तक पहुँचें वो एक्सेप्टेबल होगा इस कॉन्सेप्ट दोस्तों एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से पेपर में आ सकता है बहुत हाईली प्रॉबेबल है और इस वीडियो के बाद आपका वो क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा दो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए मैं लाया हूँ दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद जो भी वेरिएशन का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा यहां पर लगभग वो सारा कुछ कवर हो जाएगा जस्ट टू क्वेश्चन एन दिस कॉन्सेप्ट एंड एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का सही हो जाएगा देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी पार्टनर है थ्रीज टू टू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे फ्यूचर में तो ये हम अभी न्यू माइनस ओल्ड करके पता कर चुके हैं इसमें एक्स जो है वो वन बाय टेन से सेक्रीफाइसिंग आएंगे और वाई वन बाय टेन से गेनिंग आएंगे सिमिलर एग्जाम्पल अभी मैंने ऊपर लिया था थ्रीज टू टू का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था और वन इज टू वन फ्यूचर में था है ना तो पच्चीस हजार का जनरल रिजर्व है अब यहां पे मेरे को नेट इफेक्ट पता करना है तो जनरल रिजर्व दे रखा है ट्वेंटी और उसके बाद लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस ऑफ टेन थाउजेंड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल गौर फरमाइएगा दोस्तों इस इंफॉर्मेशन पे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है या क्रेडिट बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो पॉजिटिव है अक्यूमलेटेड रिजर्व है पर अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो अक्यूमलेटेड लॉस है ठीक है ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है टेन थाउजेंड का तो वो सप्रैक्ट हो जाएगा अब मेरा नेट इफेक्ट बनता है नेट इफेक्ट बनता है फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज का ठीक है ना और ये फिफ्टीन थाउजेंड का जो नेट इफेक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोस्तों एक्स और वाई के बीच में तो किसी भी एक पर यह शेयर अप्लाई कर देता हूँ तो मैं एक्सेज सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेता हूँ हजार उनका शेयर अप्लाई कर दूंगा तो जर्नल एंट्री बन जाएगी gaining to sacrificing, क्योंकि net effect positive है तो बन जाएगी y to X, 1500, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो करंट अकाउंट से एंट्री पास करनी है और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो फिर कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास करनी है सिर्फ करंट और कैपिटल के ट्रैप में मत फंस जाना क्वेश्चन में देख लेना कि किस तरह की कैपिटल दी अगर कुछ नहीं कहा है तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मानी जाएगी तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसपे पहले ही मैंने मार्क लगा रखा था तो आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी एक और क्वेश्चन छोटा सा वेरिएशन इसमें अक्यूमुलेटेड लॉस है तो एंट्री रिवर्स डल जाएगी बस उसको मैं देखना चाहता हूँ ये देखिएगा क्वेश्चन पी और क्यू पार्टनर है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्री टू टू है ये फ्यूचर में डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर पी जो है वो वन बाय टेन से गेनिंग आएगा और Q जो है वो वन बाय टेन से सेक्रीफाइजिंग आएगा क्योंकि सेम रेशियोज है थ्री इज टू एन वन इज टू वन राइट ऑन दैट डेट डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो अगर मैं नेट इफेक्ट की बात करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनका डेबिट बैलेंस है तो ये माइनस ट्वेंटी थाउजेंड आता है और इसके अलावा कुछ है नहीं चीज अफेक्ट करने को तो ट्वेंटी थाउजेंड का नेट इफेक्ट आया अब नेट इफेक्ट नेगेटिव है तो एंट्री रिवर्स डलेगी दोस्तों एंट्री क्या डलेगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग तो एंट्री डलेगी क्यू to P capital या current account whatever the केस might be और 20,000 थाउजेंड पे किसी भी एक का शेयर लगा दीजिए एक से ज्यादा है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पर यहाँ पे तो एक ही है तो एक का लगा दिया एक पे मतलब ट्वेंटी थाउजेंड पे वन बाई टेन लगा दिया तो P का गेन पता चल चुका है Q का सेक्रीफाइस तो Q में एंट्री डलेगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग तो Q टू P टू थाउजेंड से ये एंट्री पास हो जाएगी अगर इम्पैक्ट नहीं देना है तो ठीक है ना तो वट विल बी द एंट्री पास इफ़ द फर्म्स डिसाइडेड नॉट टू अल्टर द बुक वैल्यूज सो द एंट्री विल बी क्यू टू पी ठीक है ना तो क्यूज कैपिटल अकाउंट को हमें यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट पीज़ कैपिटल अकाउंट बाय 2000 तो ए ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा सो दोस्तों दैट्स ऑल दिस टॉपिक हैज़ आई होप आपको ये समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आया है एंड डेफिनेटली आपको इससे वैल्यू मिली है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो इस सीरीज को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासमेट्स के साथ सभी का भला हो चैनल का भला हो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो अगर नहीं दबाया है आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिले आगे आने वाले वीडियोस की चैनल का किसी भी तरीके से आप सपोर्ट करना चाहें तो पूरी कोशिश करिएगा डिस्क्रिप्शन uh, में आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन को यूज़ करिए नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल और साथ ही मेरा इंस्टा हैंडल दे रखा है आप वहाँ पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों अगला टॉपिक कवर करने के लिए तब तक के लिए बाय मैं विश करता हूं आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया हो और मेरे वीडियो से टॉपिक सिर्फ सीखो मत एज करो